गाइस वेलकम टू स्टडी फैसिनेशन आज हम करने वाले हैं क्लास नाइन साइंस ओलंपियाड्स चैप्टर ट्वेल्व साउंड पार्ट सेकंड तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर सिक्स अ स्टूडेंट प्लॉटेड द फॉलोइंग फोर ग्राफ्स रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी वी ऑफ साउंड इन ए गैस विद द प्रेशर पी फॉर ए गिवन टेम्परेचर विच वन इज करेक्ट तो एक स्टूडेंट ने प्लॉट किए हैं चार ग्राफ और ये जो ग्राफ है ये है हमारे विलोसिटी वसीज प्रेशर ग्राफ तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इस ग्राफ के अंदर विलोसिटी हमारी कॉन्स्टेंट है और जो प्रेशर है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है जो हमारी विलोसिटी है साउंड की वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती तो साउंड की विलोसिटी प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर और जो टेम्परेचर है वो हमारा कॉन्स्टेंट है जो चेंज हो रहा है वो है हमारा प्रेशर लेकिन प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती साउंड इसीलिए जो साउंड की वेलोसिटी है वो हमारी सेम है तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेवन ए साउंड वेव ट्रैवलिंग इन ए मीडियम इज रिप्रेजेंटेड एज शोन इन फिगर तो हमारे पास एक डायग्राम साउंड वेव का हमें बताना है साउंड का एम्पलीट्यूड उसकी वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी। तो इस डायग्राम के अंदर जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो होगा हमारा वन मीटर यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये है हमारा एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड है हमारा वन मीटर जो कि है ऑप्शन नंबर ए में सी में और डी में अब इसके बाद निकालते हैं साउंड की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारी होती है ओसीेशंस अपॉन टाइम क्वेश्चन में हमें दिया गया है 360 सिक्सटी इन टू मिनट्स तो ओसीलेस है हमारे 360, अपॉन जो टाइम है वो है हमारा वन ट्वेंटी सेकेंड्स तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी हमारी थ्री हर्ड्स तो फ्रीक्वेंसी है थ्री हर्ड्स इसके बाद निकालते हैं वेव हमें पता है साउंड की वेलोसिटी इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेव हमें निकालनी है वेव तो वेव हमारी इक्वल होगी विलासिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी विलोसिटी हमें दी गई है थ्री फोर्टी टू तो 342 फोर्टी अपॉन थ्री ये हमारा इक्वल होगा 114 मीटर के तो वेवलेंथ है हमारी 114 मीटर तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एम्पलीट्यूड है 1 मीटर वेवलेंथ है 114 मीटर और फ्रीक्वेंसी है 3 हर्ड्स तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए तो गाइज इसके बाद है क्वेश्चन नंबर एट ए सबमरीन एमिट्स ए सोनार पल्स विच रिटर्न फ्रॉम एन अंडर वाटर क्लिफ इन वन पॉइंट जीरो फाइव सेकेंड्स इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन सोल्ट वाटर इज फिफ्टीन हंड्रेड थर्टी वन मीटर पर सेकेंड हाउ फार अवे इज द क्लिफ तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं डाइग्राम हमारे पास है एक सबमरीन तो ये है हमारी सबमरीन इसके आगे है हमारे पास एक क्लिफ तो ये है हमारी क्लिफ जो सबमरीन है ये हमारी सोनार पल्स को एमिट करती है और सोनार पल्स हमारी टकराकर वापस आती है 1.05 पॉइंट सेकेंड में हमें बताना है ये जो हमारा डिस्टेंस है सब बरीन और क्लिफ़ के बीच में ये हमारा कितना है तो इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं ए हमें पता है स्पीड हमारी इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के जो हमारा डिस्टेंस होगा वो हमारा इक्वल होगा टू ए के टू ए के इक्वल इसलिए होगा क्योंकि जो सोनार पल्स है उसने दो बार डिस्टेंस कवर किया है जो सोनार पल्स है वो हमारी टकरा कर वापिस आई है तो डिस्टेंस है हमारा 2a, टाइम है हमारा 1.05 और जो हमारी स्पीड है वो है हमारी 1531। तो जो हमारी a की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 1531 फाइव थ्री वन मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन टू और इसको सोल्व करने पर हमें मिलेगा 803.775, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में तो जो हमारा डिस्टेंस है बिटवीन सब मरीन एंड क्लिफ़ वो है हमारा 803.7 अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नाइन लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैन ट्रेवल इन जो हमारी लॉन्गील वेव है वो हमारी ट्रेवल कर सकती है इसका जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ऑल मीडिया जो हमारी साउंड है वो हमारी एक लॉन्गील वेव है और साउंड हमारी सभी मीडियम्स में ट्रैवल कर सकती है तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर टेन साउंड ट्रेवल्स विद ए स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड वट इज़ द वेव लेंथ ऑफ साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज़ 660 हर्ट्ज तो साउंड की स्पीड हमें दी गई है 330 उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 660 हमें बतानी है उसकी वेव लेंथ तो विलोसिटी हमारी इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेव लेंथ तो वेवलेंथ निकालने के लिए वेवलेंथ हमारी इक्वल होगी वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी विलोसिटी है हमारी 330 और फ्रीक्वेंसी है हमारी 660 जो कि इक्वल होगी वन अपॉन टू के यानी कि 0.5 मीटर तो वेवलेंथ है हमारी 0.5 मीटर जो कि है ऑप्शन नंबर सी में तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी